इटावा में ब्लैक फंगस ने दी दस्तक। उत्तर प्रदेश के जिला इटावा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भगवान दास ने बताया कि ब्लैक फंगस का इटावा में कोई भी मरीज भर्ती नहीं है। एक मरीज जिनको ब्लैक फंगस हुआ है वो इटावा के रहने वाले हैं और लखनऊ के KGMU में भर्ती हैं, और दूसरा मरीज सैफई के मेडिकल कॉलेज में लक्षणों के आधार पर सस्पेक्टेड है। अभी उनकी जांच जारी है। ब्लैक फंगस से निपटने के लिए अपने यहां पर 35 बेड का एक वार्ड बनाया गया है। 4 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम बनाई गई है और ऑपरेशन के लिए भी डॉक्टर नियुक्त किए गए हैं। और क्या कुछ कहा है मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने, सुनिए। आज की डेट में जनपद इटावा में तो कोई केस है नहीं है ब्लैक फंगस का, पर अभी कल परसों ही मेरे पास एक पोर्टल से एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कि इटावा के रहने वाले हैं मिस्टर जमादार सिंह और वो KGMU में एडमिट हैं। एक केस और इटावा के हैं जो कि सैपई में भर्ती हैं, वो 2-3 दिन पहले यहाँ से गए हैं, पर वो अभी कंफर्म नहीं है, वो सस्पेक्टेड केस है। तो वर्तमान में यहाँ कोई इटावा में कोई केस नहीं है। ब्लैक फंगस के लिए हम लोगों ने अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में करीब 35 बेड्स का होम मतलब आइसोलेशन वार्ड बना रखा है, और वहाँ CMS साहब की तरफ से 4 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम बना ली गई है। उसमें एक फिजिशियन है, एक सर्जन है, एक ENT सर्जन है, एक आई सर्जन है, और एनेस्थेटिस्ट भी उसमें एक हमने ऐड करवा दिया है कि भाई जब कभी ऑपरेशन वगैरह कोई ज़रूरत पड़ती है तो वो उसको मैनेज कर लिया जाएगा। जी, बच्चों के लिए थर्ड फेज के लिए हमने क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ डिस्ट्रिक्ट में मतलब पीडियाट्रिक ICU की व्यवस्था है, पर जनपद इटावा में पीडियाट्रिक ICU नहीं है। उसके लिए हमने जो पीडियाट्रिक वार्ड है जिला अस्पताल का 20 बेड वहाँ रिजर्व कर लिए गए हैं, और शासन स्तर को चिट्ठी लिख दी गई है कि यहाँ जो भी और उपकरणों की आवश्यकता है वो उपकरण उपलब्ध कराएं, जिससे कि हम इसको निकट भविष्य में हम उसको मैनेज कर सकें कोई अगर ऐसा केस आता है तो।